वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम मैंने जैसे लास्ट व्लॉग में बताया था, मैं जामनगर के लिए निकल रहा हूँ, थोड़ा काम है, इसलिए 3 दिन मेरे घर भी शायद जाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। और अभी फ़िलहाल तो मैं पानी भर रहा हूँ क्योंकि रास्ते में कहीं अभी 1-2 घंटे तो शायद नहीं रुके, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता है। तो और मैं फ़िलहाल सोया ही नहीं हूँ क्योंकि 4-5 बजे मेरा व्लॉग का एडिटिंग ख़त्म हुआ, फिर 5-6 बजे निकलना था क्योंकि 12 बजे इम्पोर्टेंट एक जगह जाना है, तो इसी के कारण सोए नहीं क्योंकि 12 बजे कैसे भी करके पहुंचना है। तो फिलहाल तो नहा धो के रेडी हो गए, अभी पानी वानी रिफिल करके फिर निकलते हैं। मैंने तो ऐसा लगता है कि जल्दी कौन उठता होगा, बट चाय पीने वाले सब जल्दी उठ जाते हैं भाई। अभी 5:30 बजे और लोग उठ के चाय पीने आ गए। दूर आए हैं 50 किलोमीटर जितने, और बारिश ने साथ नहीं दिया है हमारा, और पूरे बादल और बारिश आ गई है। देखते हैं रास्ते में कहीं बारिश ना आए तो अच्छा है, क्योंकि ड्राइव करने में इतना मज़ा नहीं आता। मौसम बहुत अच्छा हो जाता है बट ड्राइव करने के लिए इतना अच्छा नहीं है। अभी 62 किलोमीटर हमने काट लिया है और अभी चोटीला पहुंचे हैं अहमदाबाद से। कहीं रुके ही नहीं, अभी यहाँ सोच रहे कि नाश्ता हो चाय करे, फिर यहाँ से डायरेक्ट जामनगर खींच लेंगे। यहाँ से 150 किलोमीटर है और जामनगर, तो राजकोट तो नहीं रुकेंगे, अभी चाय नाश्ता यहाँ पे चोटीला में ही कर लेंगे। तो मैं याद है एक बार हमने थेपला खाया था, वही खाने की इच्छा है। अब देखते हैं वो मिलता है कि नहीं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी साली साहिब भी साथ में है तो उनको खिलाना है थेपला। ये मानसी है जो मेरे से भी बात कम करती है, तो आप लोगों से तो रिलीज करेगी। यहाँ पे ये चोटीला है, मंदिर है, और यहाँ पे हम नाश्ता करने रुके। अभी नाश्ता करके फिर निकलेंगे क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, अब खा के निकलेंगे। ये नाश्ता हमारा आ गया, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, और ये दोनों सोचे बिना खाने चालू कर दिया है और हम तो वेट कर रहे हैं। ये देखो पूरा पहाड़ कट करके रोड बना है, ऐसा नहीं है राजस्थान में ही ऐसा जब होता है, हमारे गुजरात में भी होता है, राजकोट में देखो। राजकोट से निकल गए और जामनगर वाले हाईवे पे और अभी चाय ढूंढ रहे, तो देखते हैं अच्छी चाय। ये भीड़ कितनी है दिखा, चाय चाय नहीं है। हम सोच रहे कि कहीं होटल आए, ऐसी जगह पे रुके जहाँ चाय और सुन सब अच्छा हो, और 5-10 मिनट रुक पाए ऐसी जगह पे हमें रुकना है, तो देखते हैं अभी कहाँ आता है। और काफ़ी हमने 235 किलोमीटर तो रन काट लिया है, इतना तो हमने कट कर लिया है, अभी थोड़ा सा ही है, 70-80 किलोमीटर ही बाकी है, तो 1.5 घंटे का रास्ता ही है, बट अभी चाय पीने पड़ेगी तो रुक जाए। होटल आ गई है, यहाँ से 70 किलोमीटर है जामनगर, और ये जगह मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इतना इतना यहाँ खुला खुला है और गार्डन जैसे सब है, तो चाय पीने में मज़ा आता है और इसकी चाय भी अच्छी होती है। पे चाय पी के फिर हम निकलेंगे, 12 बजे तक तो जामनगर पहुँच ही जाएंगे। फिर पहुँच के फिर वहाँ का थोड़ा शेड्यूल है, थोड़ी जगह जाना है, खा पी के 1 घंटा रेस्ट करके फिर निकलेंगे। होटल में तो दाव हो गया क्योंकि चाय लेने गए तो इतना वहाँ तक दूर है, और गाड़ी हमने यहाँ पार्क की थी, तो यहाँ से वहाँ पैसे में लेना भूल गया, तो अभी लेके जाएंगे पैसा। गाड़ी सोच रहा हूँ गाड़ी लेके चला जाओ, फिर वहाँ से डायरेक्ट चले उसको इसके ऊपर बैठ गया, तो वहाँ ही गाड़ी लेके जाते हो, फिर वहाँ से चाय पी के फिर जामनगर के लिए निकलेंगे। पार्किंग बनाया और वहाँ चाय का रखा है, वो दिख रहा है ना, वहाँ चाय का रखा है, तो इतना दूर क्यों, ये वॉशरूम वॉशरूम इस साइड है और चाय का वहाँ रखा है, तो मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आया, इतना दूर दूर क्यों सब रखा है। हम आ गए और यहाँ पे ये
आप एक ऐसा सब दिखने को मिलेगा जामनगर में, देख सकते हो आप। गांव का फीलिंग थोड़ा सा तो आ ही जाता है जामनगर में। यहाँ पे भी ट्रैफिक ऐसा नहीं है बड़े बड़े सिटी में होता है। मीटर ऐसे बढ़ता है ना, बट लीटर नहीं बढ़ता, सिर्फ मीटर ही बढ़ता है, लीटर नहीं बढ़ता। बहुत टॉप चीज है। करके सामान वामान अनलोड करते हैं। ये देखो, थैंक यू गाइज, आपने दूसरा वीडियो भी यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच।